नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को चावल और नमक खाने परोसा गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होते ही प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गाँव के पास स्कूल होने के कारण कई बच्चे भोजन लेकर घर चले जाते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं। इनमें से कुछ बच्चों ने घर पर अपने अभिभावकों से स्कूल में नमक चावल मिलने की बात कही है, जिसके बाद कई बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए और नाराजगी जताई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंकिता हत्याकांड में भाजपा नेता के रिसोर्ट पर चले बुलडोजर ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हत्याकांड को लेकर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्य पुलिस के पास सुरक्षित है। बुलडोजर के आड़ में किसी भी प्रकार का कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आग लगाकर सबूत मिटाने के जो आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद है। उन्होंने लोगों से शांति रखने की अपील करते हुए कहा कि एसआईटी की टीम मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। कई बार चीजें भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रही है, इसलिए हमारा मानना है कि हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हुए। जो अपडेट तो हम केस का जरूर देंगे, साथ ही जो चीज़ें कुछ हमें क्लेरिफिकेशन करने हैं वो मैं एक बार पुनः एसआईटी के माध्यम से उसका मेंबर होने के नाते आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस हमने आपको बताया था कि 22 को पुलिस के पास आया। इमीडिएट हमने नाइट में केस को वर्कआउट कर लिया था, नाइट में पीसी हुआ था। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट आईओ थे, फर्स्ट आईओ ने 22 की इवनिंग में ही जहां जो पीड़िता का कमरा था उस कमरे की प्रॉपर वीडियोग्राफी और जो वहां से पुलिस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए थी कर ली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंकिता हत्याकांड में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरएसएस से जुड़े विपिन कर्णवाल के खिलाफ रायवाला में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर बैठकर हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस की कड़ी मशक्कत और समझाने के बाद जाम तो खुलवा दिया गया, मगर लोग विपिन कर्णवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 3 घंटे तक पुलिस और लोगों के बीच बहस और तीखी नोकझोंक होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की तहरीर पर विपिन कर्णवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ ऋषिकेश डीसी डोंडियाल ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी तय की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मायके से ससुराल जाते वक्त महिला का ऑटो में बैग खो गया, जिसके बाद महिला सुभाष चौराहे पर फूट फूट कर रोने लगी। महिला को रोते देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद महिला ने बैग खोने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा ऑटो की तलाश की गई, लेकिन ऑटो का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस को महिला ने बताया कि उसके बैग में कपड़ों के अलावा करीब 12,000 की नकदी भी रखी गई थी। ये घटना फिरोजाबाद के थाना चुनला क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं गोल दरवाजे से आ रही और मैं यहाँ पर उतरी चौराहे पे, और चौराहे से उतर के मैं जा रही थी तो बैग मेरे बच्चा पे, तो बैग तो बाने मार रख दो सीट पे, तो मैं सोच रही गाने उठा लो और मैं चल रही हूँ आगे, तो वो पीछे पीछे चले आओ। फिर मैंने देखा कि बैग कहाँ है, तो मैं वहाँ से सीधी भाग लूँ तो मुझे यही ना है ऑटो। खबर सितारगंज से है, जहाँ पुलिस प्रशासन ने होटल ढाबो रिजॉर्ट में देर रात तक छापेमारी कर अभियान चलाया। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को सितारगंज के होटल सितार और सिसौना में स्थित होटल अशोका में अनियमितताएं मिली, जिसे प्रशासन ने होटल के मानकों की विपरीत संचालन के लिए सीज कर दिया। साथ ही सितारगंज में पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी अभियान के बाद पूरे शहर के होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। हमारे सभी होटल में हम चेक कर रहे हैं, होटल में कुछ कमियाँ थी उसके दृष्टिगत इसको सीज किया गया है, और कमियाँ पूरी कर दी जाएंगी। उसके बाद जो भी चली रही है अभियान चली रहा है, सभी जितने भी होटल हैं सभी को कमियाँ चेकिंग की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा संकल्प है कि 2023 तक सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सैन्य धाम निर्माण क्षेत्र में 182 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। आज सैन्य धाम जो हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है,
उसकी समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की, क्योंकि पिछले कई दिनों से अनियमितताओं के कारण उस बैठक को हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2023 तक किसी भी सूरत में हम उसको पूरा करेंगे। मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 182 पेड़ उस सैन धाम के निर्माण के बीच में आ रहे हैं और जिनको काटना आवश्यक है। मैंने इसलिए आज डीएम, डीएफओ, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर सबको यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम है। कह रहे साहब एक पेड़ को काटने में एक महीने लगेंगे, तो मैंने यहीं से वहाँ के अधिकारी से डीएम की बातचीत करवाई। हमने कहा कि 10 दिन के अंदर ये पेड़ कट जाने चाहिए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सरोवर क्षेत्र में गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद अब एक बार फिर घर में दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करने वाले मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान के घर और गली में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पोस्टर पर लिखा है, रूबी आसिफ खान काफिर बन गई है, पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम कहती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। पोस्टरों पर परिवार को जिंदा जलाने की भी धमकी दी गई। आज सुबह पोस्टर लगाए किसने या रात को लगाए ये हमें पता नहीं, हम लोग सो रहे थे। पोस्टर पहले मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी, तब भी कमेंटबाजी और ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलकर उस पर भी कमेंटबाजी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें फतवे जारी इन्होंने पहले भी किए। अब मैंने माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है, उसको लेकर भी इन लोगों ने चर्चा किया और तरह तरह की बातें फैलाई और आज मेरे पोस्टर लगा दिए जिंदा जलाने के। बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल थाना क्षेत्र खुर्जा देहात NH91 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो भाई और मासूम बच्ची को रौंद दिया। घटना में बाप और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल भाई ने बताया कि मैं और मेरा भाई बच्चे के साथ शिकारपुर से बुलंदशहर आ रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक टक्कर मार दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी बेहट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने बताया कि शासन के आदेश के बाद भी क्षेत्र से मीट की दुकानें खुल रही है। सहारनपुर में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी बेहट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने बताया कि शासन के आदेश के बाद भी क्षेत्र में मीट की कुछ दुकानें खुल रही हैं जिनको बंद करवाया जाए। साथ ही क्षेत्र में कुछ जगह रामलीला मंच से अश्लील डांस प्रस्तुत किया जा रहा है, आयोजकों को ऐसा डांस प्रस्तुत न करने के निर्देश दिए जाए। हम लोगों के द्वारा आज उप जिला अधिकारी महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि शासन आदेश के बाद भी क्षेत्र के अंदर कुछ मीट की दुकानें जो हिंदू क्षेत्र है और रोड पर खुल रही हैं, एक तो दुकानें बंद हो और दूसरा अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ जगह पर रामलीला का जो मंचन हो रहा है उससे अश्लील और अभद्र डांस का जो प्रस्तुतीकरण आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है उस पर रोक लगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी दो गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध गांजा तस्कर और गैंगस्टर एक्ट में दोनों अपराधी फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले भी 88 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। थाना मल्लीपुर पुलिस द्वारा 25,000 के इनामी सातों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो नारकोटिक्स से संबंधित अपराधी विजय चौधरी गैंग के सदस्य हैं। इस गैंग से 88 केजी गांजा पूर्व में बरामद किया जा चुका है। ये काफी दिनों से ये दोनों अपराधी गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, बस्ती के कैली अस्पताल के तीन डॉक्टरों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों डॉक्टरों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सिद्धार्थ ने लखनऊ की एक युवती से सोशल नेटवर्किंग के जरिए दोस्ती प्यार में बदली और युवती को डॉक्टर सिद्धार्थ ने बस्ती के कैली हॉस्पिटल में बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कैली छात्रावास में डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने अन्य दो डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला का मेडिकल कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज लखनऊ की रहने वाली महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कैली अस्पताल में एक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा द्वारा उनसे संपर्क किया गया एक सोशल ऐप साइट द्वारा, और पिछले वर्ष दिसंबर से ही उनके आपस में संबंध थे।
इस वर्ष अगस्त माह में डॉक्टर सिद्धार्थ द्वारा उसको यहाँ बुलाया गया और छात्रावास कैली हॉस्पिटल के उसके साथ संबंध स्थापित किए और दो अन्य डॉक्टर साथी डॉक्टर गौतम और डॉक्टर कमलेश के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। यूपी के फतेहपुर में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक को घर से और दूसरे को जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिले में ऑपरेशन पाताल के तहत वांछित वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई। खबर यूपी के श्रावस्ती से है जहां दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि गिलौला थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने अपने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र दौरा किया जहाँ अचानक मुखबिर की सूचना मिलने पर अभियुक्त अनुज कुमार को मैरिया तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।